लेट्स गो टू फैसल टाउन इस्लामाबाद। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहां आपको रोजाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताजा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान खान और मेरे साथ जुबैर बशीर। हम आपको खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि आपने ये सुन लिया होगा कि चक्री रोड पर से एक रास्ता है फैसल टाउन फेज़ टू का। हम आपको तीनों रास्ते दिखाएंगे, तीनों रास्तों से एंट्री देंगे। इस वक्त हम चक्री रोड के रास्ते पे खड़े हुए हैं। हम आपको आज पहली एंट्री पे लेके आए हैं और फर्स्ट एंट्री है चक्री रोड से जो है फैसल टाउन इस्लामाबाद की, और ये है मूरत स्टॉप। हम अभी मूरत स्टॉप की तरफ से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम इस फर्स्ट एंट्री पे खड़े हो जाएंगे और यहाँ से हम बातचीत स्टार्ट करेंगे। इस फर्स्ट एंट्री के बारे में आपको इलाका बताएंगे, इसमें आबादी बताएंगे, इसकी वैल्यूज़ बताएंगे और उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा नाज़रीन, आपको एक बात बताता चलूँ कि ज़ुबैर बशीर का ताल्लुक इसी इलाके से है, बाय बर्थ वो इसी इलाके से उनका ताल्लुक है और मैं भी बचपन से ही इसी इलाके में आबाद हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि इस इलाके में मैं ख़रीदो फरोख्त भी करता रहा और ज़ुबैर बशीर साहब और मैं इकट्ठे काम भी करते रहे। सो आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं इसका नाम है मूरत मोड़। जी, ये मूरत मोड़, मूर्ति मोड़ के नाम से ये जगह मशहूर है। चक्री रोड के ऊपर रनियाल से आगे थोड़ा सा आता है और ये चांद से पहले है। हम आपको ये साथ साथ बताते चलें कि हमारे राइट हैंड पे रावलपिंडी सदर है और हमारे लेफ्ट हैंड पे कैपिटल स्मार्ट सिटी है। और आप हमारे राइट हैंड पे अगर ट्रैवल करेंगे तो सबसे पहले 1.5 किलोमीटर पे बिल्कुल नेटिव जुड़ा हुआ तो आपको कश्मीर मॉडल टाउन, लेकिन उससे बिल्कुल साथ ही 1 किलोमीटर के वाई पे आपको अलरम सिटी मिलेगा। और अलरम सिटी से तकरीबन 1 फरलांग आगे फातिमा जनाब वुमन यूनिवर्सिटी है, जबकि अगर हम अलरम सिटी से आगे जाएं तो फिर रनियाल स्टॉप आ जाता है और फिर वहां से सदर है। लेकिन अब हम लेफ़्ट साइड की बात करेंगे और ज़ुबैर साहब लेफ़्ट साइड के बारे में बताएंगे। दूसरी साइड का मैं आपको बता दूं, यहां से थोड़े से फासले पे जो है वो मेरा है, मेरा कलां है और उसके बाद फिर कैपिटल स्मार्ट सिटी है। ज़ुबैर साहब, मैं आपको मेरा कलां के हवाले से एक बात बताता चलूँ कि मेरा कलां से रिंग रोड रावलपिंडी बाकायदा क्रॉस करेगा। हम इस वक्त रिंग रोड रावलपिंडी से 1.5 किलोमीटर शहर की तरफ खड़े हुए हैं, यानी कि मेरा कलां यहां से 1.5 किलोमीटर के फासले पे है और हम आगे उस स्टेज पे जाके खड़े होंगे फैसल टाउन में, जहां से रिंग रोड रावलपिंडी यानी कि सेकंड रास्ता है। और फिर तीसरा रास्ता हम बताएँगे जो मोटरवे से इन हो रहा है। आज इन तीन रास्तों के हवाले से हम बात करेंगे। चलो जी, इस रास्ते का गेट दिखाते हैं अब इनको हम। ये तो आपने देख लिया चक्री रोड देखने के बाद, अब आपको दिखाते हैं जनाब ये एंट्रेंस गेट की आपको एक नज़र आ रही है। इसके ऊपर सारा वाइट वाश कर दिया गया है, इससे पहले सोसाइटी का कुछ जो भी था, लेकिन अब क्योंकि ये फैसल टाउन के अंदर जम हो चुकी है और अब इसके अंदर सब चीज़ें जो हैं वाइट वाश कर दी गई हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो वाइट वाश दो बड़े टावर हैं गेट के, एंट्री टावर हैं, यहाँ फैसल टाउन फेज़ टू का चक्री रोड से गेट बनेगा। और ये जो वाइट वाश की हुई मार्केट है ये बी फैसल टाउन की मलकियत है और ये सारा जो फ्रंट है ये फैसल टाउन की मलकियत है और यहाँ से अंदर वो रास्ता फैसल टाउन की तरफ जाएगा। तो हम आपको सबसे पहले MZS TV के प्लेटफॉर्म पे विज़िट कराने जा रहे हैं, ऑन ग्राउंड प्लस ड्रोन का विज़िट भी आपको दिखाते हैं कि इनकी लैंड कैसी है। तस्वीरों पे तो देख लिया, ज़ुबानी भी सुन लिया, लेकिन ग्राउंड के ऊपर फीचर इनके कैसे हैं आए वो भी देखते हैं। ये तो होगी चक्री रोड की इनकी एंट्रेंस जो ऑलरेडी बनी भी हुई है और यहाँ से इनका चक्री रोड का काम स्टार्ट होगा और ये गेट है। लेट्स गो टू फैसल टाउन इस्लामाबाद।